all set to fly. तो हवेली पहुंच गए हैं, बस भूख लगी है, अब हम लंच करेंगे यहाँ पर। ओके, शाम के 5 हम गुरुद्वारा पहुंच गए हैं बंगला साहिब। यहाँ पर मत्था टेक कर फिर यहाँ से निकलेंगे। हेलो सर, पॉल को तो आप लोगों ने पहचान ही लिया होगा। मेरी फ्लाइट दिल्ली से ही थी, सो पॉल दिल्ली में ही था, सो ये मुझसे 5-10 मिनट मिलने आ गया। ही वाज बिट बिजी, तो जल्दी जाना पड़ा। हेलो सर, अभी व्लॉग और क्या। उसके बाद वी वेंट टू द लंगर हॉल एंड वी हैड सम टी। ओके सर, राइट नाउ टाइम हो रहा है 10 PM एंड वी आर हेडिंग टूवर्ड्स IGI इंटरनेशनल एयरपोर्ट Terminal 3, बिकॉज मेरी फ्लाइट वहाँ से बोर्ड होगी। एंड अभी हम बंगला साहिब गुरुद्वारे में थे और लंगर वगैरह हमने वहीं से छका है, तो अभी हम एयरपोर्ट पहुँचने वाले हैं, आगे वहीं पर कंटिन्यू करते हैं। ओके सो एयरपोर्ट हम पहुंच चुके हैं Terminal 3 पे और अभी हम अंदर जा रहे हैं। सो फाइनली वी आर इनसाइड द एयरपोर्ट और बोर्डिंग की लाइन बहुत ही ज़्यादा लंबी है। आई पर्सनली रिकमेंड कि लोग 4 to 5 आवर्स पहले ही आएँ अपनी फ्लाइट के टाइम से। ओके सो अब मुझे अपना बोर्डिंग पास मिल चुका है, अब मैं इमिग्रेशन की लाइन में हूँ। यहाँ पर हमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, हमें कहाँ जाना है, क्यों जाना है। थर्ड स्टेप होता है सिक्योरिटी चेक, यहाँ पर हमें अपने डिवाइस बैग्स एक ट्रे में रख के स्कैन करवाने होते हैं। ओके सो सिक्योरिटी वगैरह हमारी सब हो चुकी है, बोर्डिंग पास हमने ले लिया है, जो कि 1 घंटा लगा लेने में, और अभी हम ड्यूटी फ्री में आ चुके हैं और अभी हमें जाना है 17 नंबर गेट पे। और अभी मैंने और गुरबाज ने KFC से बर्गर और थोड़ी कोल्ड ड्रिंक पी। रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि उस वक्त मैं अपने भाई से वीडियो कॉल कर रहा था और काफ़ी खुश था मेरा भाई और मेरी फैमिली भी काफ़ी खुश है। काफ़ी लोग सरप्राइज भी हैं क्योंकि मैंने किसी को बताया नहीं था इस बारे में। सो या एंड बाय द वे ये है गुरबाज, ये भी सेम प्लेस है उत्तराखंड से और हम दोनों सेम जगह पे जा रहे हैं, और अगर साथ में
एक कंपेनियन मिल जाए तो और क्या चाहिए। ओके सो मेरा सिक्योरिटी चेक वगैरह सब हो चुका है। बोर्डिंग में मुझे ऑलमोस्ट 1 से 1.5 घंटा लगा और इमिग्रेशन पे मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगा, लेकिन उन्होंने सडनली मेरी चेकिंग स्टार्ट कर दी। उन्होंने मेरे से बहुत क्वेश्चंस वगैरह पूछे, उन्होंने मुझसे पूछा कितने मेरे पास कितने डॉलर्स हैं, क्या मेरे पास उसकी रिसिप्ट है, एंड मेरे पास उसकी रिसिप्ट नहीं थी। तो उन्होंने कहा डॉलर, या तो हम डॉलर रख लेते हैं या तो बताओ क्या करना है। मैंने उनसे कहा मुझे छोड़ दो, तो उन्होंने कहा ठीक है स्टूडेंट है छोड़ देते हैं, बट अगली बार ये गलती मत करना। पसीने छूट गए थे मेरे, बट चलो बाद में फिर सिक्योरिटी चेक हुआ, वो भी बहुत स्मूथ रहा। मैं 2 घंटे में मेरा सब कुछ हो गया था, हाथ में मेरे बोर्डिंग पास आ गया था और मेरी फ़्लाइट है 4 बजे और अभी रात के 2:30 बज रहे हैं। सो या अब वेट कर रहा हूँ कब हम बोर्ड करते हैं। आई नो इस व्लॉग में मैंने अपना ज़्यादा चेहरा नहीं दिखाया, ज़्यादा मैंने चीज़ें रिकॉर्ड नहीं की क्योंकि काफ़ी इमोशनल था ये सब मेरे लिए, अपनी फैमिली को छोड़ना। मैं आज तक अपनी फैमिली से इतना दूर कभी गया नहीं हूँ और घर से निकलते वक्त काफ़ी रोया, इसलिए ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं किया। कोशिश कर रहा था ज़्यादा से ज़्यादा स्पेंड करूँ अपनी फैमिली के साथ टाइम। या अब भाई वेट कर रहा है मेरा कनाडा में, सो अब यहाँ से फ्लाइट एम्स्टर्डम लेंगे, एम्स्टर्डम से मैक्सिको, मैक्सिको से कनाडा। सी यू सून। Boarding begins. Following general guidelines, do not shake hands, please a cough into your elbow. Flight is mandatory to wear a face mask. Wear your face mask over your nose and mouth. Try to maintain distance between yourself, other passengers, and cabin crew, for example, when you're in line for the lavatories. Try to avoid physical contact, and try to avoid unnecessary contact and prevent going to the galley. If you need assistance, you can press the crew call button. Try to avoid moving through the cabin, and do not change aisle by passing through galleys. Also adhere to the following general guidelines. Do not shake hands, sneeze or cough into your elbow, use paper tissues, and wash your hands regularly with soap and water. Thank you for your cooperation. To put the smaller items underneath the seat in front of you and the larger bags in the overhead compartments. ओके सो इकोनॉमिक क्लास में मुझे एक ब्लैंकेट दिया जाता है और एक वेट वाइप जो कि हाथ साफ करने के लिए होता है, एंड हेडफोन्स और एक वाटर बॉटल और एक LCD स्क्रीन होती है जिसमें हम म्यूज़िक सुन सकते हैं, मूवीज़ दे सकते हैं एंड अपनी पूरी जर्नी दे सकते हैं कि फ़्लाइट कहाँ से कहाँ जा रही है। लेग रूम की बात तो मत ही कीजिएगा, आपकी कमर की वार लगने वाली है अगर आप इकोनॉमिक क्लास में फ्लाई कर रहे हैं तो। ओके सो फर्स्ट मील मेरी ऑरेंज जूस एंड उसके साथ समथिंग लाइक काथी रोल, रोटी थी उसके अंदर पनीर स्टफ था। ब्रेकफास्ट ओके सो राइट नाउ वी आर एट एम्स्टर्डम, प्रोबेबली इंडिया के 1 बजे हम यहाँ लैंड हुए हैं। और ये है एम्स्टर्डम का सिक्योरिटी चेक, यहाँ पर भी दिल्ली की तरह सेम प्रोसीजर फॉलो होता है। ओके जस्ट पास सिक्योरिटी चेक। देखो कितना लगे है शीशे चमकाउण। ओके सो टाइम अभी 11:45 हो रहा है एम्स्टर्डम के हिसाब से और इंडिया के हिसाब से 3:15 PM। एंड अभी अभी मैंने अपना इंस्टाग्राम खोला और
और उसमें पहली बार इतने मैसेजेस देखे मैंने। सब मेरे को कांग्रेस कर रहे थे। ओके सर, जर्नी अभी तक मेरी बहुत अच्छी रही है, स्मूथ है सब कुछ। हाँ, मैं पहली बार सफ़र कर रहा हूँ तो थोड़ा नर्वस था कि क्या होगा कैसे होगा, बट सब कुछ अपने बोते जा रहा है। अभी बोर्डिंग में मुझे 2 आवर्स हैं, सो यहाँ पर मैं बैठा हूँ वेटिंग में। खैर, इस ब्लॉग की एंडिंग मैं यहीं पर कर रहा हूँ एम्स्टरडैम में, क्योंकि ब्लॉग मेरा बहुत लेंथी हो जाएगा और अच्छे से मैं ब्लॉगिंग कर नहीं पा रहा हूँ क्योंकि ट्रैवल कर रहा हूँ बहुत और काफ़ी पेपर वर्क शो करना पड़ रहा है। कोविड की वजह से बहुत रूल्स वगैरह फॉलो करने पड़ रहे हैं। नेक्स्ट ब्लॉग मेरा यहीं से स्टार्ट होगा। सी यू नेक्स्ट टाइम, टेक केयर। Ja, ik ga even wat even. Ik schenk even 2 glazen.